मेरे प्रिय साहित्य प्रेमियों, गुजराती भाषा की विश्व विख्यात कवियत्री पन्ना नायक की चुनी हुई कविताओं का हिंदी अनुवाद जानी मानी लेखिका पन्ना त्रिवेदी द्वारा आधी आधी जिंदगी पुस्तक के विमोचन में आपका स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आधी आधी जिंदगी किताब की एक रचना, मातृभाषा, मखमली आवाज की मल्लिका और लेखिका पन्ना त्रिवेदी के आवाज में। दोस्तों, मैं हूँ पन्ना त्रिवेदी और आज हम बात करते हैं गुजराती डायस्पोरिक कवित्री पन्ना नायक की। इन दिनों हम कितने चिंतित हैं अपनी भाषा को लेकर, अपनी जड़ों को टिकाए रखने के लिए, उसे बचाए रखने के लिए। जरा सोचे, सालों से पराए मुल्क में, विदेश में गुजर बसर करने वाले लोग अपनी भाषा के लिए कितने चिंतित होंगे, अपनी भाषा में बोलने के लिए और सुनने के लिए। आइए सुनते हैं एक रचना, मातृभाषा। जिस भाषा में हमें सपने आए वही हमारी मातृभाषा, जिस भाषा में हमें सपने आए वही हमारी मातृभाषा। मुझे फिलाडेल्फिया में अभी भी सपने गुजराती में आते हैं, लेकिन मेरे आसपास के गुजराती लोग उमाशंकर की तस्वीर देखकर पूछते रहते हैं निरंतर, यह किसकी तस्वीर है, और मेरा सपना टूट जाता है।